अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे और पोएम के कुछ प्रोज भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई पैराग्राफ अनसीन पैसेजेस या सीन पैसेजेस सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप पैसेज की तरफ जाएंगे। एकदम ये नहीं कि आप पहले क्वेश्चन पैसेज पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप वापस पैसेज पढ़ें ताकि आप आंसर ढूंढ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। हमको राइटर का नाम जानना है, इसलिए सभी चैप्टर के राइटर का नाम और पोएम के राइटर का नाम भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो ऑप्शन में है आइज़ैक असिमोव, डेब्रोह कॉली, विलियम बटलर ईस्ट। तो जो आंसर है इसका, तो जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो है आइज़ैक असिमोव। फिर है व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। अब मार्गी का ओपिनियन स्कूल के बारे में क्या था, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आकर के। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि आई हेट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी का जो स्कूल था उसके घर पे ही था, ऑब्वियस है वो बाहर नहीं जा पा रही थी कहीं खेलने के लिए, उसके फ्रेंड्स को ही नहीं थे, है ना। तो वर्चुअल स्कूल था उसका, तो इसलिए उसे वो स्कूल पसंद नहीं था, तो शी हेटेड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। उसके मैकेनिकल टीचर के साथ में क्या प्रॉब्लम, तो उसके मैकेनिकल टीचर के साथ में क्या प्रॉब्लम आई थी। इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी के इसमें वो कंटिन्यूअसली वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा अपना टेस्ट ख़राब कर रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ रेफर टू एज एस्पायरिंग म्यूजिशियन। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है कि जो कोई म्यूजिशियन बनने वाला है, है ना, नया नया म्यूजिशियन बनने वाला है। तो सिंपली हमें पता है कि किसके बारे में चैप्टर है, एवलिन ग्लेनी के बारे में, है ना। तो ये कौन है वो, एवलिन ग्लेनी। और व्हाट वाज लाइक टू डॉन्ट एवलिन, व्हाट वाज लाइक टू डॉन्ट एवलिन। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, हमें अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कई बार, तो कुछ वर्ड्स हमें क्वेश्चन के उस पैराग्राफ में ढूंढ लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। तो और यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है लंदन, आपको कुछ मत देखिए क्या है उसका आंसर, लंदन, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशंस फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, अब इसका मीनिंग क्या है। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म मतलब कि बिलोंग टू स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करने वाला, ठीक है। फिर है जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बिस्मिल्लाह खां का है। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज बींग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस एक्सट्रैक्ट में बताया जा रहा है, तो कौन सा एक्सट्रैक्ट बताया जा रहा है यहाँ पर, इट यूजिंग टेम्पल। हाँ, द टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, है ना। और उसके बाद में उसे क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर भी लाने का जो श्रेय है वो किसे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो, शहनाई की। तो वाई डू यू थिंक इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग पर क्यों यूज़ किया जाता था, मतलब शहनाई के, शहनाई वादन जो है वो सिर्फ टेम्पल और वेडिंग्स में क्यों बजाया जाता था। तो यहाँ पर लिखा, बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस साउंड, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू प्ले, बिकॉज इट हैज़ हार्श साउंड। तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट टू प्ले वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी उसे सीखा था और बजाया था और आज भी बहुत कई लोग बजाते हैं। और हार्श साउंड तो उसका था नहीं, तो उसका मेलेडियस साउंड था। कैसा था, मेलेडियस साउंड। हु वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे, तो शहनाई प्लेयर थे, पुंगी प्लेयर थे या ड्रम प्लेयर थे, सिंपली कहे थे वो शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लिटिल गर्ल का एक्सट्रैक्ट। हु डज ही रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। ही जो लिखा हुआ है वो किसके लिए रिफ़र किया हुआ है। अभी ही देखिए कहाँ पर है, ही ये दिख रहा है आपको, ही है ना। तो किसके लिए रिफ़र किया है, टू द लिटिल गर्ल। ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, फियर्ड एंड अवॉइडेड लिखा, तो फियर्ड मतलब वो लड़की किससे डरती थी, सिंपली हमें पता है वो अपने फादर से डरती थी, तो द फादर ऑफ द लिटिल गर्ल। फिर वॉज वर द फीलिंग ऑफ द लिटिल गर्ल टूवर्ड्स हिज फादर, उसके जो छोटी बच्ची है उसके फादर के प्रति उसकी क्या फीलिंग थी, तो क्या फीलिंग थी, अब भी देखा फियर्ड यानी डरती थी, तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। फिर वॉट डिड ही डू बिफोर गोइंग टू वर्क एवरी मॉर्निंग। ही मतलब मालूम है, अभी हमने देखा ही मतलब कौन, उसके फादर हैं।
तो वो जाने से पहले, बिफोर यानी जाने से पहले, वर्क में जाने से पहले वो क्या करते थे सुबह? ही कैजुअली किस्ड हर, ही कैजुअली किस्ड हर, ये लिखा हुआ है कैजुअल किस, तो ही कैजुअली किस्ड हर। अगला जो है आइंस्टीन, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, कब तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था? सिंपली सबसे ऊपर में लिखा है 2.5 years, 2.5 years, ओके, स्टिल वॉजन टॉकिंग, टॉकिंग मैंने मतलब बात करना, तो 2.5 years, ओके। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग, हमने इसके पहले भी किया है इसको, है ना, ब्रदर बोरिंग। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले, किस चीज़ से आइंस्टीन खेलना पसंद करते थे? ये भी हमने किया है, है ना, लव टू प्ले, ये लिखा हुआ है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, कौन से टॉयज? मैकेनिकल टॉयज, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, मैकेनिकल टॉयज को चूज़ करना है, ये है मैकेनिकल टॉयज, ओके। अब एवलिन ग्लेनी का फिर से आ गया है यहाँ पर, देखते हैं। एवलिन लॉस हर हेयरिंग टेक प्लेस, उनकी जो सुनने की जो क्षमता है वो कब पता चला था या कब हुआ था उनको? तो 8 year olds यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी ऑप्शन में है, तो 8 year olds। एवलिन मैनेज टू हाइड हर डेफनेस फ्रॉम, हाइड यानी छुपाना, किससे वो अपना डेफनेस छुपा रही थी, किससे वो अपना बहरापन छुपा रही थी? तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रोइंग डेफनेस है ना, शी वॉज कंसील, कंसील यानी छुपाना, कंसील यानी छुपाना, तो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो ऑप्शन में लिखा है हर फ्रेंड, तो आंसर क्या आएगा, हर फ्रेंड। एग्जाम में आता भी है कि इसका सिमिलर वर्ड लिखना है हाइड का, तो या कंसील का सिमिलर वर्ड के लिए अगर आता है, तो अगर आप तो आप लोगों को क्या करना है, कंसील का मतलब क्या होता है, हाइट। हु अर्ग्ड द पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ टू अ स्पेशलिस्ट, किसने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तो किसने बताया कि उसे स्पेशलिस्ट के पास में लेके जाना चाहिए? यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस अर्ग हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे के सारे आंसर्स यहीं पर ही सामने में दिए हुए रहते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हेडमिस्ट्रेस। नेक्स्ट है, व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हेयरिंग एबिलिटी, इसाबेल कौन है? उसकी मदर, एवलिन की मदर, कि कौन सी बात इसाबेल को समझ में आई कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम जा रही है, तो क्या हुआ था? तो शी डिडंट हियर हर नेम, उसने अपना नाम ही नहीं सुना था, जब उसका नाम बुलाया जा रहा था तो उसने अपना नाम नहीं सुना था। दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, है ना, तो शी डिडंट हियर हर नेम। एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू कंसल्ट टू अ स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया था कि एक स्पेशलिस्ट को जाकर के कंसल्ट करें, क्योंकि उसने गुड मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, ऑब्वियस फॉल्स, है ना, क्यों? क्योंकि तो उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, उसे सुनने में प्रॉब्लम जा रही थी, इसलिए उन्होंने एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहा था। ओके, अब यू फाइंड द वर्ड ऑफ फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हिड, टू हिड, देखिए यहीं पर आ गया हिड, हिड यानी यहाँ पे भी छुपाना है ना, टू हिड, तो इसके लिए एक वर्ड हमें देखना पड़ेगा जो कि उसका सेम मीनिंग निकले, विच मीन्स, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कंसील, है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर, कंसील। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, लिटिल गर्ल डरती थी और अवॉइड करती थी, किसको? हर फादर, किसको? हर फादर। हर फादर विजिटेड हर, हर उसके पापा जो हैं वो उससे उसके पास जाया करते थे, कब जाते थे, लेकिन कब जाते थे, एवरी मॉर्निंग, है ना, एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग में जाते थे वो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, हमें पैसेज से एक वर्ड ऐसा निकालना है जिसका मतलब क्या होता है, आंसर्ड, आंसर्ड यानी जवाब देना, ओके, आंसर्ड यानी जवाब देना, तो यहाँ पे है वो रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्डेड,
ठीक है, ईडी लगा हुआ है तो हम भी ईडी वाला वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ, अगर इसमें ईडी नहीं लगा रहता तो हम ईडी वहाँ से हटा देते। तो आंसर्ड का जो मीनिंग है वो क्या आएगा यहाँ, रिस्पॉन्डेड। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लेसन द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो जो कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है। ये टैमरिंड सीड्स वाला दिख रहा है यहाँ पर, है ना, और मॉस्क स्ट्रीट्स दिख रहा है, डे कलेक्शन, और देखें हम कौन है यहाँ पर, जलालुद्दीन का नाम भी यहाँ पर दिख रहा है हमें, दीना मनी दिखाई दिया है यहाँ पर, और क्या है, अरे दीना मनी से तो हमें समझ में जाता है कि ये किसकी बात हो रही है, APJ अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने ही टैमरिंड सीड्स कलेक्ट किए थे, वही मॉस्क स्ट्रीट के पास में, वहाँ पर उधर ही आगे में रहते थे, और दीना मनी पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो कौन सा चैप्टर है वो, माय चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम अर्न्ड मनी बाय सेलिंग, क्या बेच करके उन्होंने पैसा कमाया था, तो क्या बेच कर पैसा कमाया था उन्होंने, न्यूज़पेपर, टैमरिंड सीड्स या स्वीट्स, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं न्यूज़पेपर। दीना मनी वॉज, दीना मनी क्या था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडलाइंस इन दीना मनी, हेडलाइंस इन दीना मनी, तो हेडलाइन कहाँ पर होती है, न्यूज़पेपर में होती है, ठीक है, कहीं की न्यूज़ में ही होती है, न्यूज़ की ही हेडलाइंस हुआ होती हैं, तो क्या है ये, हाँ न्यूज़पेपर, क्या है ये, न्यूज़पेपर। अब ये पोएम्स के एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं, तो हम भी इसके पहले लिखेंगे, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो पोएम है, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कौन सी पोएम से लिया गया है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ह्यूमिड शेडोज दिख रहा है, स्टेरियोस्फीयर दिख रहा है, रेन दिखाई दे रहा है हमें, तो रेन और कॉटेज भी दिखाई दे रहा है, और पैटर साउंड भी दिख रहा हुआ है, लिसनिंग पैटर साउंड और रेन, दो दोबारा में रेन दिखाई दिया, तो रेन बर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो ये किसका है, रेन ऑन द रूफ, किसका है, रेन ऑन द रूफ। ओके, द वर्ड ऑफ द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस, ब्लिस मैंने बताया था आशीर्वाद, है ना, तो आशीर्वाद, और उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, कर्स, मतलब कि श्राप, है ना, ब्लिस यानी आशीर्वाद, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कर्स। वेयर डू द शेडो होवर, तो शेडो कहाँ पर गिर रही है, ह्यूमिड शेडोज कहाँ आ रही है, स्टेरियोस्फीयर्स पे, कहाँ आ रही है, स्टेरियोस्फीयर्स, सिंपली आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ो और ऊपर में आप उसका वर्ड ढूंढना है आपको, ठीक है। व्हाट डज येलो वुड मीन, व्हाट डज येलो वुड मीन, इसके पहले भी हम कर चुके हैं, येलो वुड मीन, तो येलो वुड मीन मैंने उस इसके पहले जो आया था कि फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, है ना, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स था वो, तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स का मतलब है कि कौन सा सीजन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीजन के नाम दिया हुआ है, तो अब येलो लीव्स कौन से सीजन में आते हैं, ठीक है, स्प्रिंग में नहीं आता है, स्प्रिंग में तो ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, विंटर सीजन में भी ग्रीन लीव्स रहते हैं, तो कौन से सीजन में, ऑटम, तो कौन सा सीजन चल रहा है ये, ऑटम। व्हाई वाज अ ट्रैवलर फीलिंग सॉरी, अब उसे दुख क्यों हो रहा है, ट्रैवलर को दुख क्यों हो रहा है, कि बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, बिकॉज ही कुड ट्रैवल, तो उस किस बात का दुख है, कि बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड, ये वो दोनों रास्तों पर नहीं चल पा रहा है, इस बात का उसे दुख है। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो ये जो लाइन्स है वो जो पोएम की है, ये कौन लाइन्स है वो किस पोएम से ली गई है, तो हमें क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा था ट्रैवल वाली है, तो रोड नॉट टेकन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, और भी चीज़ें हमें समझ में आ सकती है, जैसे कि येलो वुड है, तो येलो वुड हमें मालूम है कि कहाँ पर है, रोड नॉट टेकन में ही हमने इसको पढ़ा था, ट्रैवलर की बात हो रही है तो ट्रैवलर भी कौन से पोएम में है, रोड नॉट टेकन में। फिर विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, तो पोएट है वो कौन सा साउंड सुन रहा है, साउंड लिसनिंग, कौन सा साउंड सुन रहा है, तो कौन सा साउंड सुन रहा है, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, साउंड ऑफ विंड, साउंड ऑफ इंसेक्ट, साउंड ऑफ रेन, तो कौन सा साउंड सुन रहे हैं वो, साउंड ऑफ रेन, पैटर ऑफ रेन, ठीक है, साउंड ऑफ रेन। द साउंड रिमाइंड्स द पोएट, ये जो आवाज़ हो रही है रेन की वो किसकी याद दिला रही है उसे, उसकी मदर की, किसी को याद नहीं कर रहा वो अपनी मम्मी के अलावा। फिर विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, तो ऐसा कौन सा वर्ड है यहाँ पर जिसका मतलब है कि द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को याद करने की क्षमता, तो चीज़ों को याद करने की क्षमता जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए रिमेंबर मतलब याद रखना,
है ना, रिमेंबर यानी याद रखना। तो यहाँ पे देखो वर्ड मेमोरी दिख रहा है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो इस वर्ड के लिए यूज़ होगा, मेमोरी। Whom does a poet request in above all, in the above line? किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, या राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड। अच्छा, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि whom does a poet request in the above line, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है। विंड कम सॉफ्टली, पहली लाइन में देखो विंड कम सॉफ्टली, विंड को बोल रहा है कि सॉफ्टली मतलब धीरे से आओ, है ना, तो किससे कर रहा है, विंड। राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड, कोई भी एक एक्शन उसका हमें बताना है, एक्शन मतलब कि जो भी वो कर रही है उसके बारे में बताना है। तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ये तीनों चीज़ें आ सकती है। डोंट की जगह में आपको ब्रेक द शटर्स, स्कैटर द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, आप ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, या फिर तीनों भी लिख सकते हैं इसमें। एनी वन एक्शन लिखा है तो आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, फिर स्कैटर द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। हाउ वॉज द अदर रोड, दूसरा जो रोड है वो कैसा है। तो ये हम वापस आ गए हैं द रोड नॉट टेकन में, तो दूसरा जो रोड है वो कैसा है। इट वॉज स्टिल ग्रासी, द अदर रोड वॉज डस्टी, द रोड वॉज फुल ऑफ स्टोन। स्टिल ग्रासी यहाँ दिख रहा है, इट वॉज ग्रासी, इट वॉज स्टिल ग्रासी यहाँ दिख रहा है, ओके, क्योंकि उस रोड पर कोई चला ही नहीं है इसलिए अभी भी घास वहाँ पर उगी हुई है। फिर है वाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट अ बेटर क्लेम दैन द फर्स्ट, कि जो दूसरा रोड है वो पहली रोड के बजाय चलने में अच्छे से उसको वो बता रहे हैं। तो इट हैड नेवर बीन वॉक बिफोर, इट वॉज स्टिल डस्टी, इट वॉज ब्यूटिफुल। तो इट हैड नेवर बीन वॉक बिफोर, उसके ऊपर कोई गया ही नहीं पहले, है ना, उसके मतलब उस रोड से कोई पहले गया ही नहीं। हु हैज़ कम्पोज अबव पोएम, किसने लिखा है इस पोएम को, तो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रस्ट, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रस्ट, ठीक है। अगला हम देखते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड वी नोज एंड क्रश देम ऑल, विंड गॉड, ये वापस हमारा जो पोएम है विंड आ गया, है ना। तो इसका क्वेश्चन देखो, वाई आर द हाउसेस डोर राफ्टर एक्सट्रेक्ट क्रम्बलिंग, क्यों ये सब कुछ क्रम्बल हो रहे हैं, तो बिकॉज दे आर वीक, बिकॉज दे आर सॉलिड, बिकॉज दे आर स्ट्रांग। तो भाई क्यों क्रम्बल हो रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है और वो अपने आप में ही कैसे हिल रहे हैं या फड़फड़ा रहे हैं, तो कैसे, क्योंकि वो वीक है इसीलिए। वाई हैज़ द विंड बीन कॉल्ड गॉड, गॉड, कि विंड को गॉड क्यों बुलाया, बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेज हिज पावर रिमूव एंड क्रश द अनडिजायरेबल वीक थिंग्स बोथ वन एंड टू। तो क्या होगा, क्योंकि वो अपना पावर यूज करता है, ठीक है, और रिमूव करता है और क्रश द अनडिजायरेबल थिंग्स, वीक थिंग्स, रिमूव और क्रश मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को वो वहाँ से हटा देता है, फेंक देता है, या जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से उड़ा देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करता है, बोथ वन एंड टू। व्हाट डज द विंड गॉड डू, विंड गॉड क्या करता है, यूज इट फोर्स विनोज एंड क्रशेस प्रोटेक्ट ऑल नॉन ऑफ अवल। तो क्या करते हैं वो विंड गॉड, यूजिंग इट फोर्स, अपना फोर्स यूज़ करके विनोज और एंड क्रश मतलब चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं उसे रखता है और जो अनवांटेड चीज़ें होती है उसे, या उसे क्रश करता है या विनो करता है, यानी उड़ा देता है। चलिए क्वेश्चन, बैंक में जितने भी एक्सट्रैक्ट्स थे पोएम के और चैप्टर्स के, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी और दूसरे चैप्टर्स के इसमें एक्सट्रैक्ट्स नहीं हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसके पहले भी मैं आपको MCQs पहुँचा चुकी हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सिंपली आप जब भी पैसेज पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद ही आंसर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।